हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी पर। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा 25 मई 2018 को भर्ती कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 2017 में भर्ती निकली थी। 2017 के बाद इसमें एक अमेंडमेंट यानी कि संशोधन आया था। संशोधन आने के बाद इसका एग्जाम हुआ था और एग्जाम में चिटिंग होने की वजह से इस भर्ती को आगे बढ़ा दिया गया, उसको वहीं स्थगित कर दिया गया। और बजट में घोषणा हुई थी उन भर्ती के पदों को जोड़कर टोटल 20,000 पद हमारे पास होते थे, लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आज 13,142 पदों पर यह भर्ती निकली है, जो कि कम पद नहीं है। आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है। इस वीडियो का पूरा नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप संपूर्ण जानकारी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कितने कितने पद हैं, किस प्रकार आपके आवेदन करना है, SSID किस प्रकार से आपकी क्रिएट होगी, अगर आप पुराने आवेदक हैं तो किस प्रकार से आपकी जो फीस माफी की बात की गई थी फॉर्म की, वो किस प्रकार से होगी, समस्त जानकारी यहाँ पर लेंगे। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, आगे किस प्रकार से फिजिकल होगा और किस प्रकार से पेपर होगा, बहुत सारी जो है जानकारी इसके बारे में पब्लिक डोमेन में थी, जो कि आज मिथ्या साबित होगी। ऑफिशियल जो जानकारी वो आपको मिलेगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया दो प्रकार से यहाँ पर होगी। सबसे पहले अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास SSO ID यानी कि SSO पोर्टल पर जो ID बनती है वो ID आपके पास होना चाहिए, उसके माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पुराने आवेदक जो है 18/10/2017 को संशोधित विज्ञप्ति निकली थी उसके अनुसार जिन्होंने आवेदन किया था वो अपनी ओल्ड एप्लीकेशन ID, दैट इज कॉल्ड इज ओल्ड एप्लीकेशन ID, इसका मतलब होता है पुरानी जो आपकी ID है उसके नंबर भर सकेंगे। वो नंबर डालने पर ही आपकी फीस माफ होगी। अगर आपने गलती से किसी और छात्र के ओल्ड एप्लीकेशन ID अगर डाल दी है, आपने फॉर्म भर दिया तो आपकी फीस नहीं लगेगी वहां पर, लेकिन क्या होगा, आपका रीवेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। देख ले, अवैध तरीके से आवेदन करता है तो डाटाबेस से मिलान के पश्चात जो पुराना डाटाबेस उससे मिलान किया जाएगा, उसके पश्चात आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपने पहले भर रखा है तो वो ID डाले, नहीं भर रखा है अगर आपका रिजेक्ट हो चुका था तो ID ना डाले। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ, और भी कोई डाउट है तो नंबर दिए हुए हैं 0141221424, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी यहां पर है। जो नए आवेदक है वो SSO ID के माध्यम से www.requirement2.rajasthan.gov जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पैसे जमा कराने होंगे। ई मित्र की जो शुल्क है वो ₹26 है नवीन आवेदकों के लिए और ₹20 है पुराने आवेदकों के लिए। ई मित्र पे जाने की कोई जरूरत नहीं, खुद भी आप इसको भर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी यहां से। आवेदन आपत्र प्रमाण पत्र की जो अंतिम दिनांक है वो यहां पर दी हुई है। पहली दिनांक है 25/5/2018 से 14/6/2018 12:00 तक आप इसको भर सकते हैं। 21 दिन का समय आपको मात्र मिल रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 25/5/2018 14/6/2018 लगभग 13 से 14 लाख फॉर्म इसके अंदर आने वाले हैं, तो थोड़ा जल्दी करें। जिस दिन से स्टार्ट होते हैं फॉर्म फिलिंग उसी दिन से भरने लग जाएं, क्योंकि फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा रहने वाली है। एक बात और बता दूं, सामान्य वर्ग के लिए लोगों के लिए यहां पर मिलेगा आपको ₹400 का चार्ज लगेगा, ₹350 का जो OBC आते हैं तो उसके बाद जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए भी ₹350 का ही चार्ज लगेगा। अगर आपकी जो आय है यानी आपके पिताजी की जो आय है, आपकी तो कोई आय अभी होती नहीं है, उनकी आय 2.50 लाख से नीचे है तो यहाँ पर आपको छूट मिल सकती है परीक्षा फीस में, ऐसा लिखा गया था। एक अमेंडमेंट आया हुआ है मंत्रालय की तरफ से, यहां पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। लिखित प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे, SSO ID से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात सबसे पहले मैं बता दूं, वहां पर जो ईमेल ID और फोन नंबर देने एकदम एग्जैक्ट देने, वो ऐसे नंबर देने जो कि चेंज ना हो, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है और भी कोई जानकारी होती तो आपको उन्हीं नंबर पे बोर्ड आपसे संपर्क करेगा। भर्ती हेतु रिक्त पद, अब दोस्तों कितनी भर्तियां हैं, कितनी कितनी पोस्टें यहाँ पे बता दो। पहली पोस्ट है कांस्टेबल सामान्य क्षेत्र के लिए। दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं मित्रों, एक होता है सामान्य क्षेत्र, एक होता है TSB क्षेत्र। TSB यानी आदिवासी क्षेत्र। आदिवासी क्षेत्र में आरक्षण ज्यादा होता है। कांस्टेबल चालक के भी यहाँ पर पद है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कांस्टेबल बैंड सामान्य क्षेत्र के भी पद हैं, इस प्रकार कांस्टेबल घुड़सवार के भी पद हैं और कांस्टेबल ऑपरेटर के पद हैं, कांस्टेबल श्वान दल के पद यहाँ पर हैं, कांस्टेबल सामान्य TSP के पद यहाँ पर है, इसी प्रकार से सारे पद ये दिए हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है कांस्टेबल सामान्य पद। दोस्तों ये रेंज के वाइज यूनिट जैसे होती है उस प्रकार से यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पद दिए हुए हैं।
आयुक्तालय जयपुर में 576 पद हैं, इसी प्रकार से जयपुर ग्रामीण में 98 पद हैं। टोटल पदों की बात करते हैं क्योंकि पूरा ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इस प्रकार से हम बात करेंगे। 11,084 जो टोटल पद है वो कांस्टेबल के लिए है, ये नॉन टीएसपी एरिया में है, सामान्य क्षेत्र में ये है। इसी प्रकार से कांस्टेबल चालक के भी पद हैं, ये भी सामान्य क्षेत्र में है। कांस्टेबल चालक के लिए आपके पास 743 यानी कि 743 सिर्फ ड्राइवरों के लिए, आप देख लीजिए कितनी बड़ी ये भर्ती है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कांस्टेबल बैंड सामान्य क्षेत्र के लिए ये पद हैं 132, घुड़सवार के लिए पद है 34, कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए पद हैं, कांस्टेबल ऑपरेटर बहुत ही बढ़िया चीज है ये, 202 पद हैं, और कांस्टेबल श्वान दल के लिए 17 पद हैं। जिला यूनिट का नाम है कांस्टेबल टीएसपी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 872 पद हैं सामान्य के लिए, और कांस्टेबल चालक की मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूं तो 18 पद हैं, कांस्टेबल बैंड के 12 पद हैं, कांस्टेबल सामान्य के सहरिया के लिए 15 पद हैं जो कि 12 जिले में निवास करते हैं सहरिया, और एक बटालियन है महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी प्रतापगढ़, उसके लिए भी यहाँ पर 3 पद दिए हुए हैं, और कांस्टेबल चालक सहरिया के लिए 13 पद है। बहुत सारे पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए कैटेगरी के लिए यहाँ पर आरक्षण होगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण होगा, टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षण होगा, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण होगा। वेतनमान की बात की जाए तो पे लेवल 5 मैट्रिक्स का आपको वेतनमान मिलेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वेतनमान आपको मिलेगा। पे मैट्रिक्स 5 में अच्छा खासा वेतन आपको मिलता है, इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वेतन आयोग बढ़ता जाएगा, पे कमीशन लगता जाएगा, वेतन आपका बढ़ता जाएगा। भर्ती पात्रता योग्यता छूट यहाँ पर दी हुई है, जिला यूनिट बटालियन न्यूनतम शिक्षक योग्यता, जिला पुलिस इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पे बताई गई है, मान्यता प्राप्त स्कूल से परीक्षा बोर्ड या सेकेंड या 10वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण किया हो, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो, कांस्टेबल सामान्य ऑपरेटर बैंड घुड़सवार चालक और श्वान दल के लिए 10वीं, मात्र 10वीं योग्यता 10वीं, आरएसी एमबीसी बटालियन के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, मात्र 8वीं कक्षा में पे लेवल 5 बैंड की आपको सैलरी मिल रही है जो कि एलडीसी और पटवारियों को मिलती है, बहुत अच्छी बात है। पुलिस दूर संचार ऑपरेटर यानी ओकी टोकी लेके जो हमारे कार्यवाहक खड़े रहते हैं पुलिस दल के, वो होते हैं पुलिस दूर संचार ऑपरेटर। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हायर सेकेंडरी विज्ञानमय भौतिक शास्त्र गणित अथवा सरकार द्वारा इसके संपर्क 10+2 घोषित की गई हो, जो कि बहुत बढ़िया है। 12वीं के बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, फिजिकल भी होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता जो है, आपका लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी चलेगा, और LMAV है तो भी चलेगा, यहाँ पर दोनों लाइसेंस के बारे में बात हुई है। आयु सीमा यहाँ पर दी हुई है, दिनांक 22/5/2018 के उच्च आयु सीमा में अभ्यर्थियों को 4 वर्ष का शिथिलीकरण यानी कि छूट दे दी गई है 1 जनवरी 2019 के आधार पर मानकर ये किया जाएगा। सामान्य के लिए है, पुरुष और महिला निम्न स्थिति के बाद जन्म नहीं हो, यानी आपका जन्म जो है 1/1/2001 के बाद नहीं हो, पुरुष हो या महिला हो, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो यहाँ पर लिखा हुआ 1/1/2000 के बाद आपका जन्म नहीं हो, निम्न तिथि के पूर्व इनसे पहले भी आपका जन्म नहीं हो, 2/1/2000, 2/1/1992, 1987, 1989 और 73, ये लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, प्रवेश कर्मचारी के लिए और बाकी सामान्य व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। कांस्टेबल चालक के पदों के लिए इस प्रकार से ये वो 1/1/2001 ही लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार से सीमा के बारे में भी यहाँ पर सीना जो है आपका जो चेस्ट है उसका भी मापन किया जाएगा, ये सारी जानकारी फिजिकली होती है और फिजिकली लेते हैं, आई डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट इट, तो इसके बारे में जानकारी आप स्वयं प्राप्त करें। चिकित्सकीय के मानदंड के अनुसार जो आपकी फिजिकल होती है डॉक्टर देखता है बनाता है, नियुक्ति की योग्यताएं यहाँ पर दी हुई है, संपूर्ण जानकारी आपके पास है, भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या होगी, लिखित कांस्टेबल परीक्षा के अतिरिक्त कांस्टेबल ऑपरेटर के यहाँ पर कांस्टेबल घुड़सवार के शारीरिक दक्षता के विशेष योग्यता अंकों का जो होगा पेपर आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर आपको लाने हैं। लिखित परीक्षा क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम बोर्ड द्वारा राजस्थान पुलिस के अधिनियम अनुसार अंकों की गणना यहाँ पर की जाएगी, टोटल 100 नंबर हो गए, शारीरिक दक्षता के 15 अंक होंगे और दक्षता परीक्षण का कोई अंग नहीं होगा यहाँ पर, विशेष योग्यता एनसीसी होमगार्ड प्रमाण पत्र के 10 नंबर यहाँ पर होंगे। लिखित परीक्षा जो होगी वो वही कड़ी रहेगी, आपको
सफलता प्राप्त कराने की 75 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, और पेपर में कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाए गए थे पिछली बार, तो कंप्यूटर के प्रश्न आप ढंग से तैयार कर ले, राजस्थान की योजना के प्रश्न पूछे जाएंगे। विवेचना एवं तार्किक योग्यता के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य जी की जानकारी के यहाँ पर 30 प्रश्न होंगे, और राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के 60 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न और 75 नंबर आपके होंगे। तो एक बात ध्यान रख लेना, 120 प्रश्न है, 75 नंबर है, 75 नंबर से आपको कांस्टेबल बनना है, आप आसानी से ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं। समस्त जानकारी, समस्त पढ़ने का मटेरियल हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन है, क्लिक करिए, देखिए, पढ़िए, राजस्थान जीके के ट्रिक जानिए, समस्त जानकारी है। उसके अलावा जो पुलिस की वेबसाइट है www.police.rajasthan.gov.in उसको विजिट करते रहिए, उसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। शारीरिक माप तोल आपका होगा, शारीरिक दक्षता आपको का आपको पता होगा, सारी चीज़ें होती है। पुरुषों के लिए दौड़ दी हुई है, महिलाओं के लिए दौड़ दी गई, 5-5 किलोमीटर की दौड़ होती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए दौड़, TSP शहरिया के लिए भी 5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर दी हुई है। 20 मिनट से 20 मिनट से कम समय में आपको करनी है, 20 मिनट से अधिक समय 22 मिनट तक करनी है। कुल मिला के इतने इतने अंक आपको मिलेंगे, इस प्रकार से आप करेंगे तो जो राजस्थान पुलिस के क्षेत्र हैं उस हिसाब से आपके ये अंक मिलेंगे, आप उसको इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो बाकी दक्षता प्रमाण परीक्षा, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, पुलिस में अनेक प्रकार की जानकारियां होती है, वो भी आपको यहाँ पर दी हुई है, पूरी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये संपूर्ण नोटिफिकेशन का विश्लेषण हमने किया, महानिदेशक पुलिस प्रति द्वारा ये दिया गया था। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए DS गुरुजी के साथ। थैंक यू।